पब्लिक टीवी आपकी आवाज। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ प्रदेश को अपराध मुक्त बनाने के लिए लगातार अपनी प्रदेश पुलिस को अपराधियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने के दिशा निर्देश भले ही देते हो, लेकिन उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में पुलिस किस तरह अपराधियों से हमसाज होकर निर्दोषों को जेल भेजती है, आज हम आपको दिखाएंगे। ताजा मामला जनपद मुरादाबाद के थाना भगतपुर के गांव मंगावाला का है। आपको बता दें कि थाना भगतपुर पुलिस का ये नया कारनामा सामने आया है, जहां योगी सरकार ने गौहत्या गौकशी को रोकने के लिए सख्त कानून बनाए हैं, मगर उस कानून का पालन कराने वाली पुलिस गौकशी के अपराधियों को छोड़ गौकशी की सूचना देने वाले निर्दोष नवाब अली को झूठे गौकशी के मुकदमे में जेल भेज देती है। इस बात का खुलासा उसकी पत्नी ने किया है। आरोपी नवाब की पत्नी ने मीडिया के कैमरों के आगे रो रो कर पुलिस की कारगुजारी का खुलासा कर दिया। फिलहाल घटना को 9 दिन बीत गए हैं और पुलिस द्वारा निर्दोष को अपराधी बना जेल में भेज दिया है। आप इन तस्वीरों को देखकर शायद पुलिस की कार्यशैली पर उंगली खड़ी कर देंगे। पुलिस के आला अधिकारियों से जब इस बारे में बात करनी चाहिए तो सब जांच का नाम लेकर अपने आप से पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। परेशानी ये है सर के मेरे पति जो हैं, उनका नाम नवाब है, उन्हें पुलिस ने झूठी गौकशी में फंसा के जेल भेज दिया है। सर मेरे पति के साथ ये हुआ है कि उन्हें नजायज फंसा के उन्हें जेल भेज दिया। क्यों भेजा है सर? ये तो दरोगा जी जाने कि क्यों भेजा है। किस केस में भेजा सर? गौकशी के केस में भेजा उन्हें। वो मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, बताओ मैं क्या करूं, कहां जाऊं? उन्होंने करा था इंसाफ के लिए और उल्टा फंसा के उन्हें जेल भेज दिया। तो उन्होंने क्या किया था? उन्होंने वो गाय पकड़ के वो वीडियो दिखा दी थी, इस केस में उन्हें भेज दिया। उस रात में गाय जा रही थी, उन्होंने गाय की वीडियो बना ली। उन्होंने देखा कि दो आदमी लेकर जा रहे थे, जब उन्होंने देखा और उन्होंने प्रधान से बताया, उन्होंने सूचना दी। जब सूचना दी तो दरोगा जी आए और उन्हें ही पकड़ के ले गए कि साहब दो मिनट के टाइम बुला रहे हैं, इन्हें भेज दो, हम अभी भेज देंगे। फिर अभी तक साहब ने उन्हें नहीं भेजा, उनका चालान काट दिया। वो इस टाइम मुरादाबाद की जेल में है। मेरे छोटे छोटे बच्चे, मैं क्या करूं बताओ। आपको बताया था, बातचीत हुई लास्ट टाइम कब? कुछ नहीं बताया मुझे। क्या कहकर लेकर गए थे? मुझे ये भी पता नहीं सर, कुछ नहीं कहा मुझसे उन्होंने। 22 मिनट से ये पता कि उनका चालान कट गया। पुलिस ने कुछ बताया जब वो यहाँ से लेकर यहीं से लेकर गए थे सर? घर से ऐसो साहब, एक मेरा बेटा था, एक नवाब था। 3:30 बजे की लोकेशन थी कि गाय बिक गई। गाय बिकने के बाद मैंने अपने बच्चों को इशारा दे दिया, वो मस्जिद में जाकर बैठ गई, उसकी वीडियो बना ली। तो उसकी जब वीडियो बना ली तो नवाब जो थे वो मेरे घर पे थे, उस मस्जिद पर थे। उन्होंने वीडियो बनाई और उन्होंने वो थोड़ी देर के बाद आई, मैंने गाय बांध ली। गाय बांधने के बाद मैंने कोतवाल साहब को फ़ोन किया। कोतवाल साहब ने कही कि मैं एक लड़की के मामले में पुलिस अभी भेज रहा हूँ। वो फिर मैंने फ़ोन किया सुभाष दरोगा जी। सुभाष दरोगा जी बोले, यार प्रधान जी, अभी हम जो थोड़े से काम में हैं, आने वाले हैं। तो लगभग आधा पौन घंटा या एक घंटे के बीच वो आ गए। आने के बाद वो नहीं आए। हाँ, मैंने फ़ोन किया फिर उन्हें, कप्तान साहब को, फिर फ़ोन किया मैंने DM साहब को। जब उसके बाद वो आए और आने के बाद गाय बंधी थी इलियास प्रधान के घेर में। वहाँ से वो जिसने गाय बेची थी उनका नाम राजपाल है, शिक्षा मित्र। उन्होंने कही कि मैंने ये गाय बेची थी अहमदयार को। अहमदयार को घर पर पहुँचे और अहमदयार को पुलिस वाले दरोगा जी ले गए। दरोगा जी जब ले गए तो नवाब मेरे घर आ गया। हम 25-30 लोग, मैं अपने मकान पर बैठा था, अबरार की दुकान पर आन के दरोगा जी सुभाष सिंह, उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि प्रधान जी नवाब को दे दो, SO साहब पूछताछ करेंगे। मैं बोला सर ले जाइए। मैं फिर 25-30 लोग लेकर थाने गया कि सर क्या रहा, कि नवाब को अब हम नहीं देंगे, नवाब नहीं छोड़ा। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।